जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसपी सक्सेस। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एसएसपी एंड एएफएसपी, प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एसएसपी सक्सेस, हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग एसएसपी एंड एएफएसपी, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। So today we are going to talk about menstrual leaves, which was in the news. So it becomes an important topic for your upcoming SSB and AFSB as in lecturate or GD. So let's get started with our topic. See why it was in news. Supreme Court ne जो कि reject किया है एक PIL, that is public interest litigation regarding menstrual leave of workers and students across the country. कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी मैटर है ये पॉइंट आउट करती है कि जो मेंस्ट्रुअल पेन लीव है उसके डिफरेंट डायमेंशंस है और वो एक तरीके से डिसइंसेंटिव के तौर पे काम कर सकता है फॉर एम्प्लॉयर्स फ्रॉम एंगेजिंग फीमेल एम्प्लॉयज। अब ये वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात सही है, देखो क्या होगा ना, कंपनीज जैसे एमएनसीज है वो फीमेल्स को हायर ही नहीं करेंगी अगर उनको पता चला कि उनको महीने में दो तीन अगर मेंस्ट्रुअल लीव देनी है तो कंपनी का घाटा होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जेंडर गैप है वो और बढ़ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज आर इन प्लेस ग्लोबली? सी अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव की बात करें तो वो रेफर करती है सारी पॉलिसीज जो अलाउ करती है एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स को टू टेक टाइम ऑफ जब उनको पेन या फिर डिसकंफर्ट हो रहा। कंट्रीज कौन कौन सी है जो प्रमोट करती है पीरियड लीव? दैट इज स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, जाम्बिया, साउथ कोरिया, वियतनाम। स्पेन देखो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी है वर्कर्स को विद राइट टू 3 days ऑफ मेंशन लीव पर मंथ, जिसको एक्सपैंड किया जा सकता है 5 दिन तक। व्हाट अटेम्प्ट्स फॉर मेंशन लीव्स आर बीइंग मेड इन इंडिया? देखो कुछ कंपनीज हैं इंडिया में जिन्होंने पीरियड लीव की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इंक्लूड जोमैटो जिन्होंने अनाउंस किया है 10-day पेड पीरियड लीव पर ईयर इन 2020। दूसरी कंपनी स्विगी और बायजूस ने भी फॉलो किया है इसको। बिहार और केरला आर ओनली स्टेट्स दैट हैव इंट्रोड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल लीव्स पॉलिसीज फॉर वुमेन। बिहार की जो पॉलिसी है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992, जिसकी वजह से 2 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती थी हर महीना। केरला ने रिसेंटली अनाउंस किया है स्टेट्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पीरियड लीव और मेटर्निटी लीव देगा स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज अंडर द डिपार्टमेंट, और केरला स्कूल हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ सिमिलर सिस्टम। क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने चाहिए या लिए जा रहे हैं पीरियड लीव के रिगार्डिंग? अगर हम पास्ट की बात करें, पार्लियामेंट ने काफी सारे अटेम्प्ट्स देखे हैं इंट्रोड्यूस करने के पीरियड लीव को और मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोडक्ट्स बिल्स को, बट वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017, वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुएशन राइट्स बिल इन 2018। Second is rights of women to menstruational leave and free access to menstrual health product bill 2022। ये proposed bill जो है वो ये सीख करता है कि women's को 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी और trans women's को भी during the period of menstruation, और ये benefit वो extend भी करा सकती हैं। बिल ने ये साइट किया है कि रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि 40% ऑफ गर्ल्स मिस स्कूल ड्यूरिंग देयर पीरियड और 65% जो है उनके इम्पैक्ट पड़ता है डेली एक्टिविटीज पे स्कूल में। सो गाइज दैट वॉज ऑल, बट स्टिल हम थोड़ी बात और बातें भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो अगर पीरियड लीव के अपने ही बेनिफिट्स भी है और साइड इफेक्ट्स भी है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वुमेन्स को जो है अगर 2 या 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी तो दे कैन टेक प्रॉपर रेस्ट। अब बात ये है सब फीमेल्स को सेम तरीके का पेन नहीं होता है, दैट वेरीज एज पर द बॉडी टू बॉडी, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते ना सेम साइज फिट्स ऑल। सो इसी चीज में सबको सेम इंटेंसिटी का पेन नहीं होता, दैट वेरीज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट हो उनको जो है लीव दिया जा सकता है और इसको हम मेडिकल लीव के फॉर्म में दे सकते हैं, बिकॉज काफी सारे वुमेन्स ये चाहती नहीं है कि उनके पीरियड्स के बारे में बाकियों को पता चले। दूसरी बात, अगर हमने पीरियड लीव को इम्प्लीमेंट भी किया तो हमारा जेंडर गैप और बढ़ जाएगा, कंपनीज जो है और पार्शियलिटी करेंगी। ऑलरेडी वुमेन्स अंडरपेड है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वुमेन्स को और सफर करना पड़ेगा, वुमेन्स को हायर नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक डेटा था 2020 से 22 के बीच में जिसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी
उनका जो है बेसिकली वो काफी ज्यादा जॉबलेस हो गई है, प्लस कहीं ना कहीं वो जब लीव के बाद जाती है तब तक वहां पे किसी और वर्कर्स ने जगह ले ली होती है। सो ऑफ कोर्स इसके रेपरकशंस भी देखने को मिलेंगे। सो हमारे पास एक बेटर सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेसिफिक मेंस्ट्रुएशनल या फिर पीरियड लीव, वी कुड हैव गिवन एक लाइक मेडिकल लीव के फॉर्म में। ठीक है, सो गाइस दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। गाइस योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस ऑन टाइम। थैंक यू।